नमस्कार न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है हम फिर चर्चा करेंगे कोविड नाइन्टीन के कुछ मुद्दों पे हमारे साथ है प्रोफेसर सत्यजीत रथ जो हर बार हमारे साथ रहते हैं और हमको बताते हैं कोविड नाइन्टीन के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं और कोविड नाइन्टीन कैसे बदल रहा है और उस तरह उस उसके साथ साथ हमारे ऊपर समाज के ऊपर दुनिया के ऊपर क्या असर इसका पड़ सकता है सत्यजीत इस वक्त वैक्सीन की अगर बात करें तो हमें दो चीज दिखाई पड़ती है एक तो है कि कितना वैक्सीन किन देशों ने पैदा किया है बनाया है और कितनी उसकी एक्सपोर्ट हुई है और दूसरी बात कितना मुनाफा कंपनियों को हुई है तो अगर हम उन दोनों मुद्दों को थोड़ा अलग अलग दृष्टि से देखें अलग अलग करके देखे तो पहली बात तो है कि इस वक्त सबसे ज्यादा उत्पादन अगर किया है तो चीन ने किया है और उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने किया है तो उसको देखते हुए क्या लगता है कि जैसे हमारा मुल्क है हिंदुस्तान है उसका भी उत्पादन हुआ है क्योंकि हम देश पे रखे हैं उसका ज्यादातर उसका एक्सपोर्ट जो है कम हुआ है चीन और यूरोपियन यूनियन ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है यही देखने को मिल रहा है तो उत्पादन और एक्सपोर्ट एक तो ये बात है और दूसरी बात जो है कि जिस तरह से बात की जाती है फाइजर मॉडर्ना की हालांकि फाइजर कहना भी आप कई बार कह चुके गलत है बायो की वैक्सीन है जो जो फाइजर के नाम से जानी जाती थी अब जो है करीब करीब बायो तो ड्रॉप ही हो गया इससे हालांकि उसने ही बनाया था इस वैक्सीन को तो इसको देखते हुए क्या लगता है कि वैक्सीन उत्पादन में उस तरह की इस वक्त क्या कहेंगे कंस्ट्रेंट नहीं है उस पर रुकावट नहीं है उत्पादन करने की क्षमता दुनिया में काफी दिख रहा है ये क्या कह सकते हैं जी एक तरीका तो ये है कि सवाल यूं पूछे कि जितना निर्माण किसी देश में टीकों का हुआ है उसमें से कितने फीसदी टीके देश ने उस देश ने बाहर भेजे हैं इस नजरिए से अपन थोड़ा देखें कि हरेक देश ने टीकों का निर्माण कितना किया है और जितने टीकों के डोजेज बनाए हैं उसमें से बाहर देश के बाहर कितने भेजे हैं तो चीन ने तकरीबन ढाई सौ करोड़ टीकों के डोज बनाए हैं और उसमें से तकरीबन सत्तर करोड़ के आसपास डोज बाहर भेजे हुए हैं यूरोप को देखें तो तकरीबन सौ करोड़ डोसेस का निर्माण किया है यूरोप ने और उसमें से पचास एक करोड़ डोसेस बाहर भेजे हुए हैं तो अपन कह सकते हैं कि तकरीबन एक जैसे ही तो है बहुत बड़ा फर्क तो है नहीं लेकिन अगला सवाल इस तरीके से पूछे कि इसमें से उस देश में मुनाफा कितना बना है तो फाइजर के आंकड़े देखें तो पैतालीस बिलियन डॉलर यानी कि तकरीबन साढ़े चार हजार करोड़ डॉलर की उपलब्धि फाइजर को हुई है और दोनों मिला के चीन के मुनाफे देखे तो इससे दुगुना कम है तकरीबन तीस से बिलियन डॉलर्स की यानी कि तीन हजार करोड़ की तो इसका मतलब ये है कि कीमत में कि किस कीमत में देश में टीके बेचे जाते हैं किस कीमत में देश के बाहर टीके बेचे जाते हैं इसमें बहुत बड़ा फर्क है और सबसे इसमें देखने वाली चीज मिलती है मोडरना से तो मोडरना की वैक्सीन जो है उससे मुनाफा मोडरना को हुआ है पच्चीस बिलियन डॉलर का तकरीबन लेकिन मॉडर्न सवाल ये पूछे कि मोडरना ने टीके बनाए कितने हैं तो टीके बनाए हैं तकरीबन चालीस करोड़ और 40 करोड़ टीकों से जिसमें से बाहर बहुत कम भेजे हैं अमेरिका के बाहर इतना बड़ा मुनाफा कमाया है तो देश में कितने टीके बने हैं देश में कितने टीकों का इस्तेमाल हुआ है बाहर कितने टीके भेजे गए हैं और ये जो बाहर भेजे गए हैं उनमें से मुनाफे के बतौर कितने भेजे गए हैं और आम साझा एक एक, एक समष्टि की जिम्मेदारी के आधार पर कितने भेजे गए हैं इन आंकड़ों को थोड़ा अपन ने बारीकी से देखना पड़ेगा और ये फिगर जो हमारे सामने है ये की है चाइना की दाम और उस किस दाम में बेची गई है उसके बारे में कितना फिगर सही है वो अलग बात है पर जो देखने को साफ मिलता है वो ये है कि चीन के कंपनियों ने जितना टीका बनाए हैं और जितना टीका उन्होंने बाहर भेजे हैं वो सब मिला के उसकी जो प्रॉफिट्स है वो जिन कंपनियों ने काफ़ी कम टीके बनाए हैं और तौर से एक्सपोर्ट भी बहुत कम किए जैसे मॉडर्ना का बात आपने ज़िक्र किया उनका मुनाफा उस तुलना में ज़्यादा है तो ये एक साफ नजर आता है सिर्फ ज्यादा नहीं है कई गुना ज्यादा है तो ये एक साफ नजर आता है दूसरी बात जो नजर आता है कि मॉडर्ना और फाइजर जो यहां पर हमारे आंकड़े में नहीं है पर हमको मालूम है मॉडर्ना फाइजर ज्यादातर टीके अमेरिका और यूरोप में बेचे हैं उसके बाहर उनका टीका अगर पहुंचा है तो इसराइल और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा है अफ्रीका और ज्यादातर एशिया में नहीं पहुंचा है और मात्रा में लैटिन अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा टीके वहां पर नहीं बेचे गए मॉडर्ना फाइजर के खासतौर से मॉडर्ना का टीके एक्सपोर्ट में बहुत कम एक्सपोर्ट हुआ है मूलतः एक्सपोर्ट अगर हुआ है तो फाइजर जिसको हमने आपने कई बार इस पे प्रश्न चिन्ह उठाए हैं कि फाइज़र क्यों कहते हैं उसको बायो फाइजर कहना चाहिए तो उसको देखते हुए फाइजर बायो एनटेक के टीके जो हैं वो कुछ हद तक बाहर गए हैं क्योंकि तो फाइजर को उत्पादन करने की क्षमता मॉडर्न से ज़्यादा रहा है पर ये ज्यादातर मुनाफा जो है उन्हीं को मिला है इन कंपनियों को मिला है और आस्ट्रोजेन का जिसका एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर सेरम इंस्टीट्यूट है उसका टीके भी इतना मुनाफा नहीं कमाए हैं जो फाइजर और मॉडर्न के टीके ने कमाए हैं तो टीके बनाने और उसकी एक्सपोर्ट में और कितना दाम में बेचे जाने वाले हैं ये सब अगर देखें तो इस वक्त जो स्टॉक मार्केट की घोषणाएं हैं वो ये बताती है कि फाइजर और मॉडर्ना की स्टॉक्स काफी ऊपर पहुंच चुके हैं जिसको कहते हैं स्टॉक मार्केट में उछाल आया है तो इन टीके वो बनाने वाले कंपनी में उछाल आए हैं और इतना मुनाफा फाइजर कभी जिंदगी में नहीं किया मॉडर्न है तो खैर कभी मुनाफा किया ही नहीं था तो फाइजर ने भी इतनी जिंदगी में इतने बड़े पैमाने पर मुनाफा नहीं किया था जो इस बार किया है और उनका कहना है कि अगले साल भी यही उनका मुनाफा जारी रहेगा सचिन इस पे हम इस बात को आपके सामने लाना चाहते हैं कि देखिए एक इसमें छोटी सी एक मुल्क है क्यूबा क्यूबा ने सिर्फ एक वैक्सीन नहीं करीब तीन वैक्सीन काफी उन, इसमें से दो तो उनका काफी इस्तेमाल हो रहा है तीसरा वैक्सीन भी उत्पादन में शुरू होने वाला है तो उन्होंने अपना मुल्क को तो पूरी तरह से टीकाकृत किया ही है आंकड़े में छोटा एक और मुल्क को छोड़ के सबसे ज्यादा टीकाकरण क्यूबा में हुआ है और अवी देशों से भी ज्यादा टीकाकरण वहां पर हुआ है और उनका यह कहना था कि उनको मालूम था कि कहीं से उनको टीके मिल नहीं पाएंगे क्योंकि अमेरिका की सैंक्शन उनपे है पर देखने वाली बात है कि उनकी जो बायोटेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है कास्त्रो ने बहुत पहले इस पे नाइन्टीस में एक बिलियन डॉलर की उसमें लागत की थी ये कह के कि क्यूबा को एक बहुत बड़ा बायोलॉजिक उत्पादन करने वाला देश बनाना चाहते हैं तो लगता है कि वो काफी इस पे सफल हुए हैं और हमारे भारतीय दर्शकों के लिए जो बायोकॉन की इटोलिजुमा जो कहते हैं वो एक्चुअली वो भी एक्चुअली क्यूबा से आई है तो हमारा जो इस्तेमाल होता है कोविड के खिलाफ तो वो उस पर भी शामिल है तो क्या ये क्यूबा जो कर पाए हमारा इतना बड़ा बायोलॉजिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके हम पुराना पद्धति से को वैक्सीन तो बनाए हैं बहुत पुराना सौ साल पुरानी टेक्नोलॉजी है नए वैक्सीन जो बनाए गए हैं हमारे यहाँ वो अभी तक तो उत्पादन में दिख नहीं रहा है और जो दिख रहा है वो तो ऑस्टिजेनका का है जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहे तो क्या वजह है आपको लगता है कि हम ये इतना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जिसे कहते हैं दुनिया की फार्मेसी हम है, कहते हैं तो हम ये नहीं कर पाए तो प्रबीर आप जो कह रहे हैं वो एक तरीके से एक मिसाल है कि अगर अपन पूंजीवाद का सहारा लें किसी भी सार्वजनिक मसले पर सार्वजनिक आपत्ति पर उपाय बनाने के लिए तो किस दिशा में अपन चल पड़ते हैं इसकी ये मिसाल है कि भारत में अपन ने किसी भी प्रकार के सार्वजनिक निर्माण उद्योग आम तरीके से रहने नहीं दिए पिछले चंद सालों में इसलिए हमें हम निजी उद्योगों पर छोड़े हैं टीका निर्माण का काम या तो सीरम इंस्टीट्यूट पर छोड़े हैं या तो भारत बायोटेक पर छोड़े हैं या तो किसी और छोटे पे छोड़े। क्यूबा ने अपनी राष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से टीका निर्माण का काम किया है सिर्फ टीकों की ईजाद राष्ट्रीय संस्थानों में हुई ये बात नहीं है टीकों का जो निर्माण है उत्पादन है वो भी राष्ट्रीय उद्योगों में हुआ है और इसलिए बिल्कुल एक सामूहिक नीतियों को मद्देनजर रखे टीकों के निर्माण के बारे में जो योजनाएं बनाया बना पाया क्यूबा वो भारत में बनी नहीं क्योंकि जो बनाने वाले उद्योग हैं वो निजी हैं जैसे कि उदाहरण ले लें आप कह रहे थे कि क्यूबा ने दो टीके बनाए, और अब्दाला. दोनों टीके एक तरह से पुराने तकनीक से पुरानी टेक्नोलॉजी से बनवाए जो वायरस का प्रोटीन है स्पाइक प्रोटीन है उस स्पाइक प्रोटीन को लेकर या तो सिर्फ स्पाइक प्रोटीन की तो वैक्सीन बनाई है या तो स्पाइक प्रोटीन को टिटेनस वाली वैक्सीन के साथ जोड़ के वैक्सीन बनाई है दो दो थोड़े तो अलग अलग है लेकिन ये जो तकनीक है ये जो बना, बनाने की गतिविधि टेक्नोलॉजी है ये पुरानी है कि या तो बैक्टीरिया में या तो यीस्ट में या तो सेलाइन में किसी तरीके से प्रोटीन बनाए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये कई कंपनियां सिर्फ अमीर देशों में नहीं गरीब देशों में भी कई कंपनियां इस टेक्नोलॉजी को जानती हैं इसे कई तरीके की दवाइयां बनाने में इस्तेमाल कर चुकी है तो क्यूबा ने उन्हीं टेक्नोलॉजी से ये दो वैक्सीन बनाई उनकी जांच बिल्कुल सुसूत्र तरीके से करवाई और जैसे कि जांच के नतीजे आने लगे उनका निर्माण भी करवाया राष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से और उनका वितरण भी शुरू कर दिया अपन अपन कि ने जो इजाद सरकारी संस्थानों में की हुई वैक्सीन थी वो भी सौंप दी निजी कंपनी के हाथ और उस निजी कंपनी से जितने बने और उनके मुनाफे की जो कैलकुलेशंस के उस हिसाब के जरिए उन्होंने निर्माण किया उन्होंने वितरण किया दूसरी और है कि सीरम इंस्टीट्यूट जिन्होंने तो बाहर से बर... यूके से एस्ट्राजेनेका से वैक्सीन का लाइसेंस ले लिया और वो अपनी वैक्सीन बनाने में लगे यानी कि मुनाफे की जो एक चौखट है उस चौखट में ही हमारा सार्वजनिक हित सीमित रहा और ये मुद्दा अपन ने सब ने ध्यान में रखना चाहिए जब आप इस, इन फर्कों को देखते हैं सतिए आपके साथ ये हम चर्चा अभी और आगे जारी रखेंगे इस बात को लेकर कि एक जमाने में इंस्टीट्यूट जिसपे आप भी आ, रिसर्च में एक जमाने में रहे हैं इंस्टीट्यूट दुनिया में एक अगुवाई करने वाला इंस्टीट्यूट माना जाता है वैक्सीन के क्षेत्र में और वहां पर एक इंडस्ट्रियल स्केल पे वैक्सीन बनाना हिंदुस्तान के शुरू किया था शुरू हुआ था। उसके साथ साथ हम एंटीबायोटिक्स जो भी आप जो कह रहे हैं पुराना टेक्नोलॉजी है एंटीबायोटिक्स के निर्माण भी कुछ हद तक इसी टेक्नोलॉजी जिससे अब कीवा की दो वैक्सीन निकली है तो उस तरह की वो वो भी करने की हमारी क्षमता थी क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हम पचास पचास के दशक में ही उसको हम कर चुके थे यहाँ पर और उसके जरिए बड़े पैमाने में पेलीसिलीन एंड बैक ये सब चीज़ें बनानी शुरू की थी तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों विध्वस्त हो गया और अब जो इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्यों उसको इस्तेमाल हम नहीं कर पाए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे पर आज इतना ही इसी पे छोड़ देते हैं कि जो व्यर्थता रही है वो रही है इस बात पे कि हमारी जो सार्वजनिक ढांचा है वो निजी मुनाफे के अंदर जो है इस वक्त है और इसीलिए जो चीज छोटी सी मुल्क क्यूबा कर पाई वो हम नहीं कर पाए धन्यवाद सचिव हमारे साथ होने के लिए और इन पेचीदा चीजों को हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आज इतना ही देखते रहिएगा न्यूज़ क्लिक और हमारे वेबसाइट पे भी आइए